अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आइए केमिस्ट्री एकेडमी में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर फॉर डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस्ड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। व्यूअर्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और एलिमेंट्स किस तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रम को प्रोड्यूस करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब में लें और उसके लिए कंडीशन क्या रखें कि इसको हम इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज करवाएं एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, तो एक ब्लूइश सी लाइट प्रोड्यूस होती है। व्यूअर्स, ये लाइट किस तरह से प्रोड्यूस होती है कि जो हाइड्रोजन में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हम उन्हें डिस्चार्ज करते हैं, जब हम उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और वो अपर ऑर्बिटल्स में जंप कर जाते हैं, और जब वो वापस अपर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल्स में वापस आते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके उन्होंने जंप की थी ड्यूरिंग एक्साइटेशन, उतनी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। व्यूअर्स, हम इसको देखते हैं कि हम डायग्रामेटिकली इसको कैसे शो कर सकते हैं। व्यूअर्स, उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए ये हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक है ग्राउंड स्टेट जिसको हम ग्राउंड स्टेट को व्यूअर्स हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है। व्यूअर्स, इसके बाद हम इसी तरह अगर ऑर्बिट्स बनाते जाएं तो हम यहां पे बना लेते हैं अपना सेकंड ऑर्बिट हाइड्रोजन के केस में, फिर उसके बाद व्यूअर्स ये आ जाएगा हमारा थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ, और व्यूअर्स ये आ जाएगा हमारा सिक्स ऑर्बिट। व्यूअर्स, एक चीज यहां पे देख लीजिए, हमने पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट्स में जाते हैं तो ऑर्बिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है, इस वजह से हमने इसको डायग्रामेटिकली इस तरह शो किया है। इसलिए व्यूअर्स, अगर हम बढ़ते जाएं तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहां पे हमारे पास आ जाता है हम इधर सपोज करें अगर इन्फिनिटी और एन ऑर्बिट। व्यूअर्स, अब होगा क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं तो वो हायर ऑर्बिट्स में चला जाता है, हम सपोज कर लेते हैं कि वो किसी भी एन ऑर्बिट में चला गया है, और जब वो डी एक्साइट होता है तो वो वापस फिर ग्राउंड स्टेट पे आता है इलेक्ट्रॉन। तो व्यूअर्स, हम उसको किस तरह से देख सकते हैं कि फर्स्ट करें एक्साइटेशन में सेकेंड ऑर्बिट तक गया तो वो जब डी एक्साइट होगा तो ग्राउंड स्टेट पे यानी फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आएगा, इसी तरह से थ्री में से वो फर्स्ट में आ सकता है, या व्यूअर्स फोर्थ ऑर्बिट से भी डी एक्साइट होके फर्स्ट में आ सकता है, इसी तरह हम कर सकते हैं फाइव, इसके बाद व्यूअर्स सिक्स एंड एन या इन्फिनिटी एंड सो ऑन। इसी तरह व्यूअर्स, एक और केस ये हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हायर ऑर्बिट से मूव करता हुआ ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट में ना आए बल्कि ये आ जाए यहां पे कहीं पे सेकेंड ऑर्बिट में। अब इसको डायग्रामेटिकली इस तरह से भी शो कर सकते हैं। इसलिए व्यूअर्स, नेक्स्ट लाइंस में हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एन से थर्ड ऑर्बिट तक आ सकता है, हम इंटरमीडिएट जो लाइंस है उसको भी छोड़ देते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, नेक्स्ट में हम ये देख सकते हैं कि वो एन से फोर्थ ऑर्बिट में आ सकता है, या फिर लास्ट केस में हम हाइड्रोजन के केस में कह सकते हैं कि एन से वो फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके आ सकता है। व्यूअर्स, ये जो लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं, इन लाइंस को हम नाम देते हैं स्पेशल नाम, जिनको हम कहेंगे यहां पे स्पेक्ट्रल लाइंस। व्यूअर्स, इन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम क्लासिफाई करते हैं जिसके अंदर उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। व्यूअर्स, यहां पे एक चीज मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाता है हाइड्रोजन के केस में, जब वो डी एक्साइट होते हैं तो वो जो लाइट प्रोड्यूस होती है अगर हम उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू ऑब्जर्व करें तब हमें ये लाइंस ऑब्जर्व होती है, जिनको हम कह रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, और इन्हें हम क्लासिफाई कर रहे हैं इन स्पेक्ट्रल सीरीज। अब व्यूअर्स, ये स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन के केस में पांच टाइप्स की होती हैं। ये हमारे पास एक सीरीज आ गई,
इसी तरह से ये हमारे पास दूसरी सीरीज आ गई व्यूअर्स, ये हमारे पास तीसरी, चौथी और ये पांचवी सीरीज। तो इन पांचों सीरीज के क्या नाम है हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर जो फर्स्ट सीरीज है इसको हम कहते हैं, मैं इधर लिख देता हूं, लीमन सीरीज। और विवर जो दूसरी है हमारे पास वो है बामर सीरीज। और विवर इसके बाद तीसरी है हमारे पास पास्टन सीरीज। चौथी आती है ये जो हमारे पास, दैट इज ब्रैकेट सीरीज। और विवर जो फिफ्थ वन है दैट इज नोन एज फंड सीरीज। अभी बस ये जो सीरीज है इनमें आप देख सकते हैं कि हो क्या रहा है कि एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है पहली सीरीज के अंदर, लेमन सीरीज के अंदर, लोएस्ट पॉसिबल ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट में आता है। तो हम इसको यहां पे अगर कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इस सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम इंफिनिटी और एनी जनरल ऑर्बिटल एन टू फर्स्ट ऑर्बिट, जबकि इस केस में व्यूअर्स ये आता है इन्फिनिटी टू सेकेंड ऑर्बिट। इस केस में तीसरी सीरीज में आता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू थर्ड ऑर्बिट, इधर व्यूअर्स इन्फिनिटी टू फोर्थ ऑर्बिट, और इधर आएगा इन्फिनिटी टू फिफ्थ ऑर्बिट। और व्यूअर्स जब भी ये डी एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके नतीजे में जो वेवलेंथ, जो लाइट, जो रेडिएशन एमिट होगी वो एक खास रीजन में, स्पेक्ट्रम के रीजन में एमिट होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं लेमन सीरीज में ये जो है एमिशन ये होगी हमारे पास यूवी रीजन में, जबकि व्यूअर्स बामर सीरीज में ये हमारे पास होगी विजिबल रीजन में। और व्यूअर्स इन बाकी जो तीनों सीरीज हैं इस केस में हमारे पास होगी आईआर रीजन में। व्यूअर्स इन सीरीज में हम जैसे कि ये देख रहे हैं इनके रीजन्स को, तो हम ये कह सकते हैं, हम कह सकते हैं वेव नंबर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दीज स्पेक्ट्रल सीरीज। तो व्यूअर्स आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से वेव नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं इन सीरीज के लिए। अब हम फर्दर इसकी कैलकुलेशन देखते हैं व्यूअर्स। तो हम कह सकते हैं, यहां पे लिख लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर बाय बोहर। तो व्यूअर्स इसको स्टडी करने के लिए वी सपोज इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन टू टू एन वन। हमने जो बोहर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा था, अगर हम इन दोनों ऑर्बिट्स के लिए एनर्जी निकालना चाहें तो हम एन वन के लिए कहेंगे के ई वन डेट इज इक्वल टू माइनस एम जी स्केयर ई फोर ओवर एट एप्सिलॉन स्केयर एन वन स्केयर एक्स स्केयर। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर वन फॉर एन वन। जबकि व्यूअर्स एन टू के लिए ये हो जाएगी ई टू इज इक्वल टू माइनस एम जी स्केयर ई फोर डिवाइडेड बाय एट एप्सिलॉन स्केयर एन टू स्केयर एक्स स्केयर। ये आगे इक्वेशन नंबर टू। अब व्यूअर्स दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो निकालने के लिए ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम कहेंगे डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन। तो व्यूअर्स ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से रेंज हो जाएगी कि आएगा माइनस एम जेड स्केयर ई फोर ओवर एट एप्सिलॉन नोट स्केयर एन टू स्केयर एक्स स्केयर माइनस माइनस एम जी स्केयर ई फोर डिवाइडेड बाय एट एप्सिलॉन नोट स्केयर एन वन स्केयर एच स्केयर। व्यूअर्स इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो एंड इक्वेशन आ जाएगी वो आएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू एम जेड स्केयर ई फोर
divided by 8 epsilon naught square h square into 1 over n1 square minus 1 over n2 square. Viewers, यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर लीजिए कि n1 और n2 का मतलब ये नहीं कि ये दोनों एडजेसेंट ऑर्बिट्स हों, ये डिफरेंट नंबर वाले ऑर्बिट्स भी हो सकते हैं, लाइक 2, 4 हो सकता है, 2, 5 हो सकता है. तो व्यूअर्स हम कह सकते हैं नेक्स्ट आगे इसको सोल्व करने के लिए हम कहते हैं 4 हाइड्रोजन एटम वी नो z इज इक्वल टू 1. और व्यूअर्स इन सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज अगर हम पुट करें यहां पे तो ये इक्वेशन हमारे पास आएगी डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.178 इंटू 10 रेस पावर माइनस 18 टू 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर जूल्स. व्यूअर्स दिस इक्वेशन गिव्स अस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी ऑर्बिट्स, एनी टू ऑर्बिट्स, और जहां पे n2 जो है ये हायर ऑर्बिट है और जो n1 है वो लोअर ऑर्बिट है. व्यूअर्स अगर हम इस इक्वेशन को यहां पे जो हमने निकाली थी इसको दोबारा से अगर हम लिख लें और हम कहें कि डेल्टा ई, मैं इसको ऐसे कर देता हूं कि डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर ई 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 ओवर एन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन 2 स्क्वायर. तो व्यूअर्स ये इक्वेशन हमने यहां पे पहले भी निकाली थी. व्यूअर्स अब हम यहां पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू बोहर हमने ये भी देखा है कि जो डेल्टा ई है वो इक्वल होता है एच न्यू के. तो व्यूअर्स अगर हम ये एच न्यू वाली वैल्यू यहां पे पुट करें तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी इस तरह से. हम कहेंगे एच न्यू इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर ई 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1 ओवर एन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन 2 स्क्वायर. इस इक्वेशन को अब हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये बन जाएगी कि फ्रीक्वेंसी डेट इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर ई 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यू, ये एच इधर आ जाएगा, इंटू 1 ओवर एन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन 2 स्क्वायर. और व्यूअर्स इसका जो यूनिट है दैट इज हर्ट्ज और साइकल्स पर सेकेंड. तो व्यूअर्स फ्रीक्वेंसी का ये यूनिट होता है हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, और एक हर्ट्ज जो है वन साइकिल पर सेकंड के इक्वल होता है. अब व्यूअर्स हम देखेंगे कि हम किस तरह से फ्रीक्वेंसी वाली इस इक्वेशन को यूज करते हुए वेव नंबर के लिए अपना रिलेशन बना सकते हैं. तो व्यूअर्स हम यहां पे देख लेते हैं इस तरह से कि इन ओवर प्रीवियस लेक्चर्स हमने ये रिलेशन भी देखा था फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में कि जो फ्रीक्वेंसी है ये इक्वल होती है सी न्यू बार के. अब व्यूअर्स अगर हम इस इक्वेशन को इसकी वैल्यू को हम इधर पुट करें इस इक्वेशन में तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगी. हम कहेंगे सी न्यू बार डेट इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर ई 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यू इंटू 1 ओवर एन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन 2 स्क्वायर. व्यूअर्स फर्दर ये अरेंज करेंगे तो आ जाएगा कि वेव नंबर डेट इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर ई 4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी इंटू 1 ओवर एन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन 2 स्क्वायर पर मीटर. व्यूअर्स इधर अगर हम इन सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ये जो रिलेशन है ये कुछ इस तरह से आएगा कि जो वेव नंबर है that is equal to 1.09678 into 10 raised power 7 to 1 over n1 square minus 1 over n2 square per meter is a unit. Whereas ye jo constant hai yahan pe hum kahenge ke 1.09678 into 10 raised power 7 jo hai hamare paas this is Rydberg कॉन्स्टेंट. तो व्यूअर्स यहां पे ये जो हमारे पास रिलेशन आ गया है ये वाला ये रिलेशन है जो कि हमें वेव नंबर की कैलकुलेशन बता सकता है इन दीज स्पेक्ट्रल लाइंस.
तो व्यूअर्स हम लिख लेते हैं यहां पे, हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर फॉर लीमन सीरीज। अब व्यूअर्स फॉर लीमन सीरीज हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिट, यानी कि अगर सपोज करें हम अपनी डायग्राम के हिसाब से सिक्स ऑर्बिट से फर्स्ट में आ सकता है, फिफ्थ से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, थ्री और सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आ सकता है। तो हम इधर सपोज कर लेते हैं, हम कहते हैं कि हम इधर एन वन जो है वो तो ऑब्वियसली हमारा वन ही होगा, तो हम कहते हैं कि एन वन को अगर हम सपोज करें वन, और जो व्यूअर्स हमारे पास एन टू है यहां पे उसको हम सपोज कर लेते हैं थ्री, तो हम कहते हैं एन टू जो है हमारे पास ये थर्ड ऑर्बिट है। अब हम देखना चाहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो उसके लिए हमारे पास जो वेव नंबर है उसकी वैल्यू क्या आती है। तो फिर इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, हम कहेंगे यहां पे कि जो वेव नंबर है दैट इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10 रेस पावर 7 इंटू 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 स्क्वायर। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो वेव नंबर आ जाएगा वो आएगा 97.49 इंटू 10 रेस पावर 5 पर मीटर। तो व्यूअर्स ये है इसका वेव नंबर जब इलेक्ट्रॉन आता है थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में। तो व्यूअर्स लास्ट में हम देख लेते हैं, हम कहते हैं फॉर लिमिटिंग लाइन। इस केस के लिए व्यूअर्स अगर हमने वेव नंबर को कैलकुलेट करना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि जो ग्राउंड स्टेट है वो तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट ही है, और जो हमारे पास एन टू है यहां पे वो व्यूअर्स हमारे पास है इंफिनिटी, जैसे हम यहां पे कहते हैं कि इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में। और व्यूअर्स लिमिटिंग लाइन हम कब कहते हैं, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोएस्ट नंबर में आता है। तो व्यूअर्स इसके लिए अगर हम जब सपोज इसको सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये बच जाएगा वेव नंबर डेट इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10 रेस पावर 7 इंटू 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर इंफिनिटी स्क्वायर। व्यूअर्स इसको जब सोल्व करेंगे तो ये पूरा फैक्टर हमारे पास जीरो हो जाएगा, और व्यूअर्स जो हमारे पास ये आंसर आएगा इसका वो आएगा वेव नंबर डेट इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10 रेस पावर 7 पर मीटर, या इसको अगर हम फर्दर अरेंज करना चाहे तो ये आ जाएगा 109.678 इंटू 10 रेस पावर 5 पर मीटर। तो व्यूअर्स हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम इसी तरह ही इस इक्वेशन को यूज करते हुए इन सभी स्पेक्ट्रल सीरीज की जो हम वेव नंबर है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं, हम कहते हैं यूजिंग द अबव इक्वेशन ऑफ वेव नंबर वी कैन कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ all the spectral lines of spectral series। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। व्यूअर्स आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वॉच, लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह नए नए लेक्चर्स और वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।